Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. ताकि आप आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन पाते रहेंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे या बेल आइकन को प्रेस कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को, कैसे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और अपने जो स्किल्स को कैसे एग्रावेटेड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं. तो उसके लिए डिस्कस करेंगे जो एक चीते पे आर्टिकल आया हुआ है, चीता फारिंग. फेयरिंग का मतलब होता है भाई आगे बढ़ना, ये यात्रा करना, मतलब किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं. कैसे बढ़ रहे हैं, ये अपनी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ा रहे हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं. क्योंकि बहुत हा हुल्ला हुआ था तब ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे बाई दी आवर प्राइम मिनिस्टर. एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दी सिनारियो दैट नाउ वट इज़ हैपनिंग अलॉन्ग विद दी चीचा, हाउ दे आर फायरिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. कंटेक्स्ट क्या है, एज मोर चीता मोर डेथ्स ऑफ चीता हैव बीन रिपोर्टेड. ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, देखो हैव बीन रिपोर्टेड बाई स्वेंसो अथॉरिटी के द्वारा की गई हुई, तो वो बाई स्वेंसो लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये पैसिव फॉर्म में है. मोर डेथ्स ऑफ चीता हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द क्यूनो नेशनल पार्क, जो कुनो नेशनल पार्क श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है. एन एक्सपर्ट कमेटी चार्ज विद द मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, चार्ज मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एक्सपर्ट कमेटी को, चार्ज तो वह की सेकेंड फॉर्म है ये दी गई है, मतलब दी गई थी विद द मैनेजिंग द प्रोजेक्ट चीता प्रोग्राम हैज़ रिकमेंडेड. उन्होंने क्या हैज़ रिकमेंडेड, हैज़ वह की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये देखो वह की पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रेफरेंस है यहाँ पे. तो एक्सपर्ट कमेटी चार्ज विद दी मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी विद दी मैनेजिंग द प्रोजेक्ट चीता प्रोग्राम, प्रोजेक्ट चीता प्रोग्राम को हैज़ रिकमेंडेड, वो रिकमेंडेड कर चुके हैं दैट ऑल एनिमल्स अंडर गो थ्रू ए मेडिकल रिव्यू, अंडर गो ए थोरो मेडिकल रिव्यू. तो अंडर गो मतलब वो उनका चेकअप हो रहा है, थोरो मतलब पूरा अच्छी तरह से मेडिकल रिव्यू हो रहा है. वट इज़ द प्रोजेक्ट चीता, चीता क्या प्रोजेक्ट चीता, द प्रोजेक्ट चीता इज इंडियाज चीता रिलोकेशन प्रोग्राम, रिलोकेट किया गया एक जगह से दूसरी जगह, एंड मतलब इंटरकॉन्टिनेंट हुआ है, अफ्रीका से यहाँ आए हैं. इज परहैप्स मतलब शायद अमंग द मोस्ट एम्बिशियस ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, मोस्ट एम्बिशियस मतलब बहुत इच्छा दिखाने वाला, ये ऐसी तरह का पहला ये इनिशिएटिव था. द अटेम्प्ट इज टू ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अटेम्प्ट जो किया है जो ट्राई किया है इज टू ओवर द नेक्स्ट डिकेड ब्रिंग इन ब्रिंग लाने के लिए 5 to 10 एनिमल्स एवरी ईयर, हर मतलब डिकेड में 10 साल में अगले 5 से 10 एनिमल हर साल आएंगे एवरी ईयर अंटिल ए सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 35 चीता इज एस्टैब्लिश, जब तक 35 चीता की पॉपुलेशन एस्टैब्लिश ना हो जाए यहाँ पे, तो अगले 10 साल में हर साल 5-10 आएंगे. अनलाइक चीतास इन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया दैट आर लिविंग इन फेंस रिजर्व, फेंस मतलब जो फेंसिंग हो रखी है, कांटेदार तार लगा रखे हैं. तो अनलाइक चीता, जैसे क्या चीता अनलाइक क्या होता है भाई, ऐसा साउथ अफ्रीका में नहीं होता, यहाँ पे हो रहा, बट अनलाइक चीता इन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया दैट आर लिविंग इन फेंस रिजर्व इंडियाज प्लान इज टू हैव दम ग्रो इन नेचुरल. तो ये फेंस वहाँ पे रह रहे हैं, फेंसिंग में रह रहे हैं बाहर अफ्रीका में, यहाँ पे एक इंडिया में ऐसा प्लान है टू हैव दम ग्रो इन द नेचुरल अनफेंस्ड एंड वाइल्ड कंडीशन में, उनको मतलब आगे बढ़ाने का है. एज ऑफ टुडे आज के दिन की देखें तो 11 ऑफ द ट्रांसलोकेटेड चीता आर इन द ट्रू वाइल्ड विद 4 इन स्पेशली डिजाइंड 1 square kilometer एनक्लोजर. तो अगर आज की बात करें तो 11 जो ट्रांसलोकेट किए हैं चीता इन द ट्रू वाइल्ड मतलब जंगल में, सही जंगल में, ऐसे नहीं है कि फेंस लगा रखे वहाँ पे, विद 4 इन स्पेशली डिजाइंड 1 square kilometer एनक्लोजर कॉल्ड बोमास. तो 1 square kilometer का के एनक्लोजर में रखे गए हैं चारों को, उनको बोलते हैं बोमास टू हेल्प द एनिमल्स एक्लेमेटाइज. एक्लेमेटाइज का मतलब होता है अपने आप को उस मौसम के अनुसार ढालने के लिए टू इंडियन कंडीशन, इंडियन कंडीशन में वो अपने आप को ढालने, इसलिए उनको बोमास में रखा गया है जो कि 1 square kilometer का एनक्लोजर है, जगह है. 5 ऑफ द ट्रांसलोकेटेड एनिमल्स एंड 3 of 4 कब्स. तो 5 ऑफ द ट्रांसलोकेटेड एनिमल्स, 5 हैं जो ट्रांसलोकेटेड एनिमल हुए हैं वहाँ से लेके आए हम इनको, 3 of 4 कब्स मतलब 3-4 कब्स में से, 4 जो उनके बच्चे होते हैं कब बोलते हैं उनको, उनमें से 3 बोर्न इन इंडिया हैव डाइड. तो इंडिया में 4 कब हुए थे, उनमें से 3 मर चुके हैं, एक बचा हुआ है. इन 2023 इट विल बी द 1 year सिंस ए बैच ऑफ 8 चीतास फ्रॉम नामीबिया अराइव्ड इन इंडिया. तो 2023 ऐसा हो गया कि भी उनको एक साल हो गया, एक बैच ऑफ 8 चीता का आया था फ्रॉम नामीबिया अराइव्ड इन इंडिया, जो इंडिया में अराइव हुए थे. दे वर फॉलोड बाई 12 अदर फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 2023. तो 12 अलग से आए थे 2023 में साउथ अफ्रीका से, वाइल
कंसीव्ड एज ए, इसको देखा गया कंसीव्ड क्या करना है, इसको कंसीडर किया गया एज एन एक्सपेरिमेंट दैट इज ससेप्टेड टू फेलियर इन द इनिशियल ईयर। इसको माना भी गया कि भाई पहले सालों में फेल होगा। इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स जो कि आलोचक हैं हैव आर्ग्यूड दैट, उन्होंने आर्ग्यूड किया है, ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने आर्ग्यूड किया है दैट देयर आर सम बेसिक्स फ्लॉज इन दिस प्रोजेक्ट, कुछ बेसिक त्रुटियाँ हैं इसमें प्रोजेक्ट में। 4.1 जैसे पहली त्रुटि, इट इज़ मिस्टेक टू हैव हैड ऑल 20 चीताज इन KNP कुनू नेशनल पार्क में, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई इट इज़ ए मिस्टेक टू हैव सबको एक जगह रखना, हैव हैड मतलब रखा गया था, हैव रखना, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये देखो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गए, क्योंकि ये हैड का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हैड हो गया रखना, तो उनको रख चुके हैं कितने 20 चीता को कुनू नेशनल पार्क में। इट इज़ टू लिटिल स्पेस एंड प्रे, कम स्पेस है वहाँ पे, प्रे मतलब उनके लिए शिकार करने के लिए जगह कम है। गिवन दैट एनिमल इज ए कोर्सर एंड नीड्स लार्ज डिस्टेंस, इसको मतलब ये बहुत दूर दूर जाने वाला है एंड नीड्स इसको लार्ज डिस्टेंस चाहिए। मोर ओवर हैविंग चीताज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इन ए क्वारंटीन हैव अफेक्टेड देयर एडेप्टिव कैपेबिलिटी ने कोज देम टू हैव साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। तो अगर इससे ज़्यादा अगर बात करें, आगे बढ़ के बात करें, तो हैविंग चीता, चीता को रख के फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स इन क्वारंटीन, उनको बहुत लंबे टाइम के लिए क्वारंटीन में मतलब अकेले रखा गया है, जैसे हैव अफेक्टेड देयर एडेप्टिव कैपेबिलिटी, उसने अफेक्ट किया उसके एडेप्टिव कैपेबिलिटीज़ को, एंड कोज देम टू हैव साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, और उनका कारण बना है साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुई उनको, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल, इसलिए वो मोर वल्नरेबल हो गए हैं, उनको चोट जल्दी से लगेगी या पहुँचाई जा सकती है। अनलाइक टाइगर्स एंड लेपर्ड, जैसे मतलब टाइगर और लेपर्ड्स करते हैं वैसा नहीं है, अनलाइक इसलिए लगाया हुआ है कि चीता आर रिलेटिव डेलिकेट एनिमल्स, ये डेलिकेट एनिमल्स हैं, मतलब टाइगर्स एंड लेपर्ड नहीं है, एंड मोर लाइकली टू बी फैटली इंजर्ड इन द वाइल्ड, तो ये मतलब बहुत ऐसा हो सकता है कि वो फैटली मतलब जिनकी मृत्यु हो सकती है, ऐसे इंजर हो सकते हैं वाइल्ड में। करेंटली इंडियन चीताज फेस नो कम्पिटिशन, तो इंडियन चीता है कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा फ्रॉम अदर कंपेरेबल प्रीडेटर्स सच एज लायन एंड लेपर्ड्स, लायन एंड लेपर्ड से भी कोई उनको मतलब फेस नहीं हो रहा है ऐसे कंपटीशन। सो इट रिमेंस टू बी सीन दैट इफ एनिमल्स कैन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया ओवर टाइम, तो ये देखना बाकी है कि भाई ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे लंबे टाइम के, ओवर टाइम मतलब टाइम के बाद देमसेल्फ इन इंडिया अपने आप को। तो इट यूज़ हुआ है तो इट के लिए देमसेल्फ यूज़ होगा, ही होता तो हिम यूज़ होता, सी होता तो हर यूज़ होता, ये देखने की बात है। तो यही आज का सिंपल एंड क्रिस्प आर्टिकल था, अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर देना और डेली देखते रहो। अगर आपको रेली में अपने जो रीडिंग हैबिट है उसको रिजनरेट करना है दोबारा से, तो शेयर कर दीजिए। बाय।